नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। जनता दरबार में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने कोर्ट से ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। पहलवानों ने हरियाणा की खाम पंचायतों के समर्थन मांगा। उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा, पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, हमारे साथ राजनीति हुई है, हमें झांसे में लिया गया था। आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। सुबह बजरंग पूनिया ने कहा था कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। हालांकि जनवरी में प्रदर्शन के दौरान मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को परमिशन नहीं दी थी। बजरंग पूनिया ने कहा कि इस बार सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वह भाजपा, कांग्रेस, आप या कोई अन्य पार्टी हो। हम किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। पिछली बार जनवरी में पहलवानों ने किसी भी पार्टी ने नेताओं के मंच पर नहीं आने दिया था। पूर्व गवर्नर के सत्यपाल मलिक ने पूछा कि सरकार किसी मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। देश को बेटियां तो पिछले 3 महीने से न्याय के लिए भटक रही है। देश के भविष्य के खिलवाड़ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं वह भाजपा के सांसद हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों के समर्थन किया है। हुड्डा के ट्वीट पर कहा कि जिन लड़कियों ने पूरी दुनिया देश का नाम बढ़ाया है उन्हें न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। दुर्भाग्य स्थिति है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है।